ईट और चूने से इस मस्जिद को तामीर किया गया, पत्थर की मस्जिद नहीं है। इस तरह के नाले बनाए जाते थे, आप देख सकते हो ये नाले है पानी को निकालने। आपको मिल की चिमनी भी नज़र आती होगी, ये कैरीकॉम मिल की चिमनी है और ये सामने आपको कुआ नज़र आएगा, ये एशिया की सबसे बड़ी मिल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आप लोगों के सामने एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की वीडियो इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो आज हम एक शाही मस्जिद की विज़िट करने वाले हैं जो शिफा हॉस्पिटल के बिल्कुल उसके पीछे के हिस्से में वो वाक़ है। पहले आपको उसका लोकेशन बता दूं कि अभी हम खड़े ये सरदार ब्रिज है, ये सामने फूल मार्केट है और इस तरफ के हिस्से में ये शिफा हॉस्पिटल है। यहाँ से थोड़े आगे आओ तो यहाँ से जो रास्ता पड़ता है, तो ये रास्ते के हमें इस तरफ अंदर बस्ती में चलना। ये वाला रास्ता है, अपने जो बस्ती नज़र आ रही है बिल्कुल बंजर बस्ती है, तो यहाँ से हमें आगे चलना है। रिवर फ्रंट के पास में जो मस्जिद है बाबा लवलवी की, उससे आगे एक दूसरी मस्जिद है शाही मस्जिद। तो इंशाल्लाह आपको उसके हिस्ट्री बताने की कोशिश करूँगा। जो इंफॉर्मेशन मेरे पास है, वो जो जानकारी मुझे है, वो जानकारी इंशाल्लाह आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। आप वीडियो पर बराबर बने रहिए। आपको ये जो रास्ता नज़र आ रहा है दूसरा, ये बाबा लवलवी मस्जिद की तरफ जाता है और ये वाला रास्ता ये शाह अब्बास मस्जिद की तरफ जाता है। और ये जो इलाका है ये मिंजोर इलाका कहा जाता है। तारीख की किताबों में अगर आप पढ़ो मशाइख अहमदाबाद या इसी तरह बहुत सी किताबें हैं मीरात अहमदी मीरात सिकंदरी में, उसमें उसका ज़िक्र आता है, मिंजोर का ज़िक्र आता है। तो ये मिंजोर कोई अहमदाबाद से दूर कोई दूसरा शहर नहीं है, बल्कि ये अहमदाबाद का एक हिस्सा है जिसको आजकल जमालपुर कहा जाता है। तो ये वही मिंजोर है जहाँ पर इनकी कब्र मुबारक है और मस्जिद भी इन्होंने तामीर करवाई थी। तो ये बस्ती है और बस्ती के अंदर के हिस्से में ये शाह अब्बास की मस्जिद है। आपको ये मस्जिद बहुत खस्ता हाल में थी, अभी तो इसमें एक काम हुआ है, बहुत बेहतरीन मस्जिद बना दी है और बहुत सादा सिंपल मस्जिद है। इंशाल्लाह आप बराबर बने रहिए, इंशाल्लाह आपको उसकी पूरी हिस्ट्री, कौन थे और कब आए थे, पूरी जानकारी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो ये है शाह अब्बास की मस्जिद और ये शाह अब्बास रहमतुल्लाह अली यहाँ पर अहमदाबाद में तकरीबन 1020 हिजरी में यहाँ पर आए हुए थे। कुछ साल यहाँ रहे, फिर यहाँ से वापस मक्का शहर चले गए, फिर मक्का में तकरीबन 5 साल वहाँ रहे। और ये अहमदाबाद अउलियाउल्ला का शहर है, तो अउलियाउल्ला का शहर उनको वापस यहाँ खींच लाया और यहाँ वापस अहमदाबाद में तशरीफ़ लाए और अहमदाबाद में यहाँ मिंजोर इलाके में यह मुकीम रहे। और यहाँ पर कुछ किताबों के इन्होंने तसनीफ़ भी की है, कुछ किताबों के मुसन्निफ़ भी है। तो यहाँ पर इन्होंने एक मस्जिद भी तामीर करवाई थी। तो ये शाह अब्बास की मस्जिद है, यहाँ इनका मज़ार भी है। इंशाल्लाह इनके मज़ार की भी आपको ज़ियारत कराने की कोशिश करूँगा। और ये जब यहाँ पर तशरीफ़ लाए ये अहमदाबाद में, तो मुग़लों का दौर हुकूमत था, ये अहमद बादशाह रहमतुल्लाह अलैह के ख़ानदान की हुकूमत ख़त्म हो चुकी थी। अकबर ने 1571 या 81 में यह हमला किया था और अहमदाबाद पर कब्ज़ा कर लिया था। तो उस वक्त ये मुग़लों के दौरे हुकूमत में यहाँ तशरीफ़ लाए थे और यहाँ पर रहकर इन्होंने दरस व तदरीस भी का निज़ाम भी कायम किया था, मस्जिद भी तामीर करवाई थी। और इनकी वफ़ात 1060 हिजरी में बताई जाती है, तकरीबन 450 साल गुजर गए इनके वफ़ात के। तो ये मस्जिद गोया के 450 साल पुरानी मस्जिद है। इंशाल्लाह आपको अंदर से वो मस्जिद बताने की कोशिश करूँगा, बिल्कुल सादी सिंपल मस्जिद है। तो ये आपको जो सामने मस्जिद नज़र आ रही है, यहाँ पर अभी काम हुआ है वरना ये शाही मस्जिद है, बहुत कोई ज़्यादा नक्शो निगारी काम नहीं है, एकदम सादी सिंपल मस्जिद है। और यहाँ पर 3 गुंबद है और इसके मीनारे भी नहीं है, आप देख सकते, एकदम सादी सिंपल मस्जिद है, कोई इतना नक्शो निगार भी नहीं है इस मस्जिद का। इसके सुतून देखो, सुतून भी एकदम सादे सिंपल,
और इसके आसपास में यहाँ पर तो काम हो गया है, नया काम हुआ है, वरना मेहराब ये सब मैं इससे पहले आ चुका हूँ। जब ये अपनी असली हालत पर थी तो ये एकदम सादी सिंपल मस्जिद थी, कोई इतना यानी नक्श निगारी वाला काम नहीं है। यहाँ के शाह अब्बास बस्ती के ये साथी है, तो हमें उसकी पूरी डिटेल बताएंगे कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें थी, अभी इसमें कितनी तब्दीली आई है तो हमें बताएंगे। तो आप बताइए यहाँ पर क्या क्या चीज़ें थी। यहाँ मस्जिद का ये पहले कुआ था, ये पहले के टाइम पे जब दिए जलते थे ना, जब यहाँ से पानी लेके वुजू बनाते थे, उसके बाद उधर हौज था। तो वो यानी कुआ भी था, हौज भी था, कुआ भी था। पहले कुआ था, उसके बाद इधर हौज था। अच्छा, तो मस्जिद बढ़ती गई, आबादी होती गई, अभी इधर हौज था तो यहाँ बन करके फिर यहाँ वुजू खाना बनाया गया, नल का सिस्टम बनाया गया। इसके इतराफ़ की जगह भी आपको बताऊँगा, आपको पीछे का यानी मस्जिद के पीछे का हिस्सा भी आपको बता देते हैं। ये पूरी जगह मस्जिद की है जो बाउंड्री लगाई है। अभी आप मस्जिद देख सकते हो, मस्जिद में कलरिंग काम हुआ है। ये हम मस्जिद के पीछे के हिस्से में आए, ये मस्जिद का पिछला हिस्सा है। ये पूरी मस्जिद की बाउंड्री है। तो ये इन्होंने बताया कि ये जो आपको सामने नज़र आ रही दीवार, ये बाउंड्री, ये पूरी मस्जिद की जगह है। ये जो जगह है ये पूरी मस्जिद की जगह है। तो ये मस्जिद का पीछे का हिस्सा है, आप देख सकते हो, ये बाउंड्री, पूरी बाउंड्री लगाई है। तो ये शाह अब्बास मस्जिद की जगह है। इंशाल्लाह आपको ऊपर से भी मस्जिद का हिस्सा बताऊंगा, यहाँ पर जो सीढ़ियाँ, क्योंकि उस ज़माने में जो बनाई जाती थी ऊपर के हिस्से में तोड़ने के लिए। तो ये मीनारा है, आपको ये मीनारा है, आधा मीनारा है। तो यहाँ मीनारों में पहले सीढ़ियाँ लगाई जाती थी, तो हमारे भाई ने ये सीढ़ियाँ खोली है। तो हम ये सीढ़ियों से हम ऊपर चलेंगे और ऊपर से भी मस्जिद का व्यू आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से रिवर फ्रंट भी नज़दीक है, अगर रिवर फ्रंट नज़र आएगा तो रिवर फ्रंट भी बताएंगे। तो ये है मस्जिद की सीढ़ियाँ, तो जितनी भी शाही मस्जिद है तो उसकी सीढ़ियाँ ये मीनारों में ही बनाई जाती है। तो आप देख सकते हो, ये हम मस्जिद के ऊपर के हिस्से में आ गए। आपको बिल्कुल सामने रिवर फ्रंट नज़र आएगा 50 मीटर की दूरी में। तो ये ऊपर का हिस्सा है, तो ऊपर के हिस्से में आपको तीन ही गुंबद नज़र आएंगे, कोई इतने बड़े भी गुंबद नहीं है, तीन गुंबद है। और इस मस्जिद का जो काम हुआ है, ईंटें और चूना और ईंटों का काम है इस मस्जिद का। तो ये मस्जिद के ऊपर के हिस्से में जब बारिश के पानी को निकालने का जो उस ज़माने में जो तरीका होता था, तो इस तरह के नाले बनाए जाते थे। आप देख सकते हो ये नाले हैं पानी को निकालने के, तो इस तरह के बहुत सारे नाले हैं। ये एक इस तरफ तकरीबन 5-6 नाले हैं। ये मस्जिद का मीनारा है, आधा मीनारा है, पूरा मुकम्मल इसमें काम नहीं हुआ है। तो आपको बताया कि ये ईंट और चूना का यानी काम हुआ है, इसमें ईंट और चूने से इस मस्जिद को तामीर किया गया है, पत्थर की मस्जिद नहीं है। ये सामने शाह अब्बास रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार शरीफ भी है, तो मज़ार शरीफ भी आपको ज़ियारत कराऊँ। तो बहुत बड़े औलिया उल्लाह में भी गुजरे और बहुत सी किताबों के मुसन्निफ भी थे। इनका मज़ार शरीफ सादा सिंपल है, कोई शाही मकबरा नहीं है। तो ये दो कब्र मुबारक है, इनमें से शाह अब्बास रहमतुल्लाह अलैह की कब्र मुबारक है। तो या इनका जो मकबरा है बिल्कुल सादा पत्थर वाला मकबरा है, कोई शाही मकबरा नहीं है। चलिए दोस्तों, वीडियो का एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।